हमारा जो है एग्रीकल्चर जोन वागुरा है, सब डिविजन बारामूला। हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक हाईटेक मैया कर दिखा है जो पिछले 4-5 साल से रनिंग में है। इसका मोटिव यह है हमारा कि हम जो भी हमारे यहाँ के फार्मर्स हैं उनको हम मैया कर रहे हैं कि सीडलिंग्स जो प्रोटेक्टिव सीडलिंग्स वगैरह होते हैं, जब हमारा टेम्परेचर कम होता है सपोज मार्च में या फेब में, तब भी हम यहाँ पे सीडलिंग्स उगाते हैं। इसलिए कि हम अर्ली मार्केट ले लें, नियर अबाउट हम पिछले आज हमारा तीसरा सेल है। 2 सेल इससे पहले हमने एक नॉलखोल का किया, एक खानियारी और टमाटो का किया। आज हमारा था नॉलखोल का और दूसरा जिसको हम मुंझा कह रहे हैं कश्मीरी में। तो ये इसलिए है कि जो बाहर हम नहीं उगा सकते हैं वो हम प्रोटेक्टिव एग्रीकल्चर में हाईटेक में उगाते हैं, मुंझा कर रखे हैं अपने फार्मर के लिए। एग्रीकल्चर के हवाले से कि लोग हमारे पास आए, हमसे जुड़े, हम उनके पास जाए और उनको हम ये अवेयरनेस दे दें कि हमारा जो असली मोटिव है वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है कि हम कम से कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे हो जाए। अगर हम इस हवाले से देखें, सबसे अच्छा क्रॉप जो दिख रहा है यहाँ पे जो कैश क्रॉप माना जाता है यहाँ के वेजिटेबल का, हम बाहर से इतने वेजिटेबल आते हैं क्योंकि आजकल हमारा बाहर फील्ड में हमारे एग्रीकल्चर लैंड में कोई भी वेजिटेबल तैयार नहीं है। अगर हम ऐसे हाउस बनाएं हर एक गांव में, हर एक जमींदार अपने लेवल पे बनाए, तो उनको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो अप्रैल में या मई में या इवन कि मार्च में भी वो बाहर से हमें वेजिटेबल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझाकर जैसे होता है इसका टर्न होता है, ये बिल्कुल इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो जो हमने मुझाक यहाँ पे दे दिया है, हमने दूसरी सीडलिंग्स भी लगाई है, इसके बाद जब ये तैयार होंगे तो ये रिटर्न में और ट्रांसप्लांट हो जाएंगे। इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड यहाँ पे रहती है, तो इसलिए हम आइंदा लोगों के लिए ये और भी मुहैया रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एग्जॉटिक सीड भी होते हैं, जो ब्रोकली होता है जो 5-स्टार होटल में सलाद पे लगते हैं, हमारा रेड केबेज होता है, हमारा टमाटो होता है जो सारा हाइब्रिड होता है। और इवन इससे मैं एक बात और ये करूँ कि ऐड करूँ कि जो बाहर ये बेचते हैं सीडलिंग्स प्राइवेट पे, ये 3 रुपये ये पर हाइब्रिड देते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस पे देता है, ये सिर्फ हम 1 रुपये में सब्सिडी रेट पे दे रहे हैं हर एक। थैंक यू।